नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने एक नया कीर्तिमान और नया इतिहास रच दिया है। और इतिहास ये है कि अपने ही पहले नंबर के गाने को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर जो गाना उनका ट्रेंड कर रहा था वो अब नंबर वन पर चला गया है। और तेल गाना जो कि कल ही रिलीज हुआ था आज पूरे देश में एक नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करने लगा है। इस गाने पर 3.9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, तो 3,40,000 से ज्यादा इस गाने पर लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं अगर मैं कमेंट्स की बात करता हूं तो 1,16,000 से ज्यादा कमेंट्स भी मिल चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव और नेहराज की आवाज में है। यामिनी सिंह इस गाने में एज लीड एक्टर्स के रूप में नजर आए हैं और पवन पांडे इस गाने को लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी गाना नंबर वन पर जाए तो ऑब्वियसली उस कलाकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर अगर पूरे देश में कोई गाना नंबर वन पर ट्रेंड करता है ना भाई, तो वो उनके फीलिंग्स क्या होती है, उन आर्टिस्ट की जो इसमें काम किए होते हैं, ये बखूबी आप जानते होंगे। और इसको लेकर कल यामिनी सिंह ने एक इमोशनल मैसेज लिख दिया था और यामिनी सिंह के बाद पवन पांडे ने भी एक इमोशनल मैसेज लिखा है। वो क्या लिखा है वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले मैं यामिनी सिंह का बता देता हूं। तो यामिनी सिंह ने इसका एक रील वीडियो साझा करते हुए लिखती है कि जो 4 साल में नहीं कमा पाई वह नाम और इज्जत 2 महीनों में देने के लिए शुक्रिया खेसारी लाल यादव सर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव ने 2 महीने में ही एक बड़ी ऊंचाई जो है यामिनी सिंह को दिलवाया है और ढेर सारा प्यार देने के लिए सभी फैंस को आई लव यू। ऐसे ही आगे भी प्यार करते रहिएगा, मैं ऐसे ही आप सबको इंटरटेन करती रहूंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यामिनी सिंह है उनका जो इमोशनल लेवल है इस गाने को लेकर कितना है। वहीं पवन पांडे भी खेसारी लाल यादव के साथ तस्वीर साझा करके लिखते हैं कि तेल संग को ट्रेंडिंग नंबर वन पर लाने के लिए आप सभी का दिल से प्रणाम करता हूं और आज जो प्यार मिला है वो आजीवन याद रहेगा। इसे मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जितना बोलूं आज कम पड़ जाएगा। बस आप सभी से यही विनती है कि जो आज प्यार दिए हैं वो हमेशा मेरे लिए अपने दिल में रखिएगा क्योंकि आप सब हैं तो हम सब हैं। इसी तरह ट्रेंडिंग वाले लहर को बरकरार रखिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर वन पर जाने के बाद किस तरीके से भावुकता जो है वो कहीं ना कहीं इस गाने के कलाकारों पर नजर आ रही है। बाकी आपके अंदर कौन सी भावुकता है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।